आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियोज में हमारा जो टॉपिक है रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, अपने बच्चे की आप सम्मान करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, आप इसे जरूर देखिएगा और समझ आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जो है जरूर जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स अभिभावक जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये आई ओपन वीडियो है, इससे आपकी आंखें खुल सकती है। सबसे पहला बात कि हम पहली बात कि हम टीचिंग करते हैं, बहुत छोटे बच्चे बड़े बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में, उनका फीलिंग और बहुत सारे मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं आपको इस वीडियो में, और जो हमारा ये जो अभी चल रहा है हमारा एक प्रोग्राम है पेरेंटिंग पर, परवरिश पर, तरबियत पर, तो ये कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको डिटेल धीरे धीरे बताते रहूँगा। सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पर चलते हैं हम लोग, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले आप अपने बच्चों क्या चाहते हैं बनाने के लिए, सबसे पहली बात आप चाहते हैं मेरा बेटा एक IAS बने, एक IPS बने, एक अच्छा फील्ड में जाए, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब उसे लग जाए, या एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। सपोज दैट आपको बच्चा एक जज बन गया, चाहते हैं ना बनाने के लिए, बन जाएगा आपको बच्चा बन गया बड़ा होके, और आपका बच्चा बैठा हुआ है कुर्सी पर, ठीक है, कहाँ पर बैठा हुआ है कुर्सी पर, और आपके उसी समय में जो कोई मेहमान आ जाते हैं, तो क्या आप उस जज को, जो आपको बेटा जज बन गया, उसे कहेंगे ए उठ उड़ो, मेहमान बैठेंगे बैठा रहता है दिन भर सारे दिन, नहीं ना बोलेंगे आप, जाहिर सी बात कैसे बोल सकते हो, तो जज है। तो उसी तरह आपका बच्चा फर्ज करे कि वो बनना चाहता है, तो अभी से ही आप उसे सोचिए कि वो जज है, ऐसा बिहेव करिए, ऐसा बर्ताव कीजिए, कभी भी उससे रूडलेस बातें मत कीजिए, कभी भी उससे चिड़चिड़ाहट वाली बातें मत कीजिए, उठो नालायक है तो बड़ा ऐसा, इस तरह की बातें करते हैं। 100% बच्चों को मैंने देखा है कि उनके अंदर से जो गाली निकलती है वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, गलत बातें जैसे गुस्साना होता है, अरे 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 हर बात में करते रहते हैं, वो सब अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो पेरेंट्स, माता पिता को सबसे पहले बात की, माँ को ये होना चाहिए कि वो उनका बेटा जो है अपनी माँ को आईना समझता है, कुछ अगर गलती होती है तो वो अपने माँ के पास चला जाता है, और माँ को चाहिए कि उसको दामन में संभाले उसको, और उसको समझाएं गलत क्या है सही क्या है, यहाँ क्या है, पड़ाक से एक थप्पड़ मार देते हैं तो बच्चा जिसके पास बोलना चाहता है, अब कहीं लड़ाई हुई वो आया अपने घर पे रो धो के अपनी माँ को सुनाया, माँ भी उसको उल्टा पीट दे, फिर वो बताया किसको, उसके अंदर तो सारी खत्म हो जाएगी। आप उसको अगर एक थप्पड़, जो पेरेंट्स हैं जिनकी माँ, अगर एक थप्पड़ उनको मार दिए तो वो अपने अकाउंट में इकट्ठा कर रहा है, उसके पास वही पावर नहीं है 4 साल 5 साल का घुमा के वो एक थप्पड़ मार दें, वो उसका रिस्पॉन्स ये करेगा कि जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी माँ से दूर रहेगा, अपनी माँ के पास हमेशा नहीं रहेगा, जब शादी होगी तो वो अपने वाइफ अपने फैमिली को लेकर सब बाहर चला जाएगा, तो उस समय उसकी माँ सोचेगी मैंने इसकी शादी कर दी, वो अच्छी लड़की नहीं थी, वो क्या समझाएं उसको लेकर बाहर चला गया, ये वजह नहीं है, ये वजह ये क्या है कि उसकी माँ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, बात बात पर उसको पीटती थी, लड़ाई झगड़ा, या अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चे की आप रिस्पेक्ट करें, जब आप रिस्पेक्ट करेंगे ना तो वो अपने माता पिता को आईना समझ देता है, जहाँ पे वो खड़ा होता है और वहाँ पे देख के वो सही और गलत का पहचान लगा लेता है। तो माँ को सबसे चीज़ ज़रूरी क्या है कि रिस्पेक्ट के साथ साथ उसको सही गलत की भी बात बताए, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। तो आप अभी छोटा है, 3 से 7 साल का उम्र का छोटे बच्चे की आप रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, इधर जाओ हटो इस तरह करके बात कीजिए, नहीं, उसको आप प्यार से बोलिए। अभी बहुत सारे अधिकतर बच्चे जो है हर बात पे तुम कहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी कहते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमेशा अच्छे से बात कीजिए, आप कह के बात कीजिए, आप आइए बैठिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे इस तरह से, तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। अब क्या होगा इससे, उसके माइंड में भी वही होगा तुमको। तो ये सब बिहेवियर अच्छी बातें नहीं है, और बच्चा और जो चाइल्ड साइकोलॉजी ये सब भी कहते हैं कि बच्चों को पीटना ही नहीं चाहिए, अगर पीटना होता तो चोर को पीटते इतना कि वो सुधर जाना, लेकिन वो सुधरता तो है नहीं, चोर का चोरी रह जाता है। तो फर्ज करें ये कि आपको बच्चे के पास, जब भी आप बच्चे के पास जाते हैं तो उसको रिस्पेक्ट से प्यार से बात कीजिए, ए बाबू ये काम कैसे होगा इस तरह। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, उसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा बहुत डांटिए, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि कहीं पे भी अभी नहीं बताया गया है, साइंटिफिक रिसर्च या चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं कि बच्चे को पीटना नहीं चाहिए। आप उस तरह से बिहेव कीजिएगा, वो आपको रिटर्न देगा, अभी नहीं देगा, उसके पास पावर नहीं है, लेकिन बड़ा होकर रिटर्न देगा, और इससे जो है आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो बेस्ट वे ये क्या है, और हमारे वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर ये होती है कि वो अपने गार्जियन को
कुछ बताते ही नहीं है कि मेरी ये कॉपी खो गई, पेंसिल खो गई, ये खो गई, इस वजह से कि उसके माता पिता उसके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर बता देंगे मैंने पेंसिल खो दिया, उसको पता है मुझे पिटाई लगेगी, वो फिर बताते ही नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं, डरे रहते हैं, या उसके नहीं बताने पर उसके माता पिता पीटने लगते हैं। इससे जो है वो अपने बैंक में जमा कर रहा है और उसका रिटर्न बढ़ा के करेगा। तो इसलिए आप जो है उसे प्यार से बातें कीजिए, वो सब चीज़ बताएगा, आप उसे फ्रेंड बना के रखें। इससे क्या है कि वो अपने जो भी गलती हैं सब आपको धीरे धीरे बता देगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अधिक समझ आया होगा। अगर समझ आए तो ज़रूर दूसरे पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।